नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की ट्रिक से मैं आपको अब तक 13, 14, 15 तीनों क्लास में पढ़ाए हुए कि एक ही क्लास में ट्रिक के माध्यम से मैं इस इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये ट्रिक इजी में समझ में आए। कुछ सेंटेंस भी बना के बताऊंगा जिससे आपको लगे कि यह ट्रिक काम करेगी। और दोस्तों, बहुत ही बार क्या होता है कि बच्चों के आउटलाइन समझ में नहीं आती और बहुत सारे बच्चे इस कारण बीच में ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि स्टेनो अपन से नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा कुछ ही नहीं है। दोस्तों, स्टेनो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं जिस हिसाब से करा रहा हूं उस हिसाब से बहुत आसान है। बच्चे को मैं 8 दिन में बहुत कुछ करा देता हूं, तो वो इसलिए हो जाता है कि मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। एक ही चीज की 3-3 ट्रिक्स है। अब आप लोगों को अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो इसके अलावा मैंने 3 ट्रिक्स बनाई है, तो वो आपको पीडीएफ के माध्यम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से डाउनलोड करके और पीडीएफ में 22वें या 23वें पेज पे आप देखें तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आप पीडीएफ में देखें तो आपको ये ट्रिक्स मिलेगी। ये तीनों ट्रिक्स कंटिन्यू सीरीज रही है, तो आप उसको देखोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं ट्रिक को समझते हैं 16वीं क्लास में कि ट्रिक को यूज कैसे करें। तो देखो दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि चुका है सत्ता है, इसी टाइप से चुका था चुका होगा। अब अपन ने इन पे सिंपल मैंने एक एक अक्षर उठा लिया, सिर्फ अगर चुकी है इसमें मात्रा लगा देंगे, चुके हैं मात्रा लगा देंगे। तो दोस्तों, इसको अपन सिंपल यही तो है, तो अपन ने क्या करा, चुका है उल्टा वी, जब भी चुका था वर्ड जब भी आ रहा है तो उसमें अंदर की ओर घुंडी बना देंगे, चुका था फिर चुका होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, बाहर की तरफ घुंडी चुका होगा, तो ये बाहर की तरफ घुंडी आ जाएगी इसमें, इसी टाइप से चुका होगा गया। इसके बाद में सत्ता शक्ति में अपन सीधा भी लिखेंगे, था गया तो अंदर की ओर गुंडी और गा गया तो बाहर की ओर गुंडी। तो सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी था वर्ड आए तो जो भी अपन बनाएंगे अक्सर उसकी अंदर की ओर गुंडी बना देंगे और गा जब भी आएगा बाहर की ओर गुंडी बना देंगे। इसके बाद में सत्ता में सीधा भी और चुका में उल्टा भी, इसी टाइप से गया में लेस देन का सिंबल बनाते हैं अपन यो करके यो, तो सिंपल गया। अब गया गए हैं तो एक ही मात्रा लगा देंगे इसमें, तो ये अपने यहां पे लिखा है गया है, फिर अपन ने बनाया गया था तो ये हो गया अपना गया था, इसमें अंदर की ओर गुंडी आ गई और गया हो गया में बाहर की ओर आ गई गुंडी। सिर्फ मात्राओं का डिफरेंस है, जो मात्रा लगाना मैंने सिखाई दिया था तो इनपे मात्रा लगाकर आप चेंज कर सकते हो। इसी टाइप से ता है, ये अपना ता है तो जाता है, तो जब भी ता है आएगा ये सारे वर्ड शब्द के साथ में आएंगे, रहा है रही है शब्द के नीचे आएगा सिर्फ, तो ता है में देख लेते पहले कि ता है तो अपन लिखेंगे 7 की तरह, बिल्कुल 7 की तरह लिखेंगे अपन ता है, ता था तो 7 की तरह लिखेंगे और अंदर की तरफ गुंडी बन जाएगी और इसमें बाहर की ओर गुंडी, ता जाता होगा ता होगा तो इसमें बाहर की ओर गुंडी। इसके बाद में रहा है, ये आएगा अपना शब्द के नीचे टे की तरह, जो अपन टे बनाते हैं और टे में अपन ने नीचे की ओर गुंडी जोड़ दी तो ये हो जाएगा अपना रहा था, और अंदर की ओर ऊपर की ओर गुंडी आ जाएगी तो रहा होगा। दोस्तों, इनके सेंटेंस देखते हैं अपन, सेंटेंस कैसे बनाए। सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा राम
जा चुका था। अब चुका था में चुका और था, तो कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा। तो अपन ने कैसे लिखा? राम, रे और मैं। राम जा चुका था, हो गया सिंपल। इसी टाइप से मनोज रोज फल खाता है, पकता है, यह है अपना। तो कहां से पढ़ा मैंने? ता और है। तो इसकी सुगले कौन सा है इस लाइन में? ये ता है, सिंपल सात। तो सात की तरह बनाएंगे, तो मनोज रोज फल और ये अपना खाता है, ये लिख दिया मैंने। इसी टाइप से आगे चलते हैं, पलक सो रही होगी। अब रही होगी, अब ये किसके अंदर आएगा? रही, ई की मात्रा जोड़ देंगे इसमें, रहा रही, इसके बाद में अपन होगी, तो ई की मात्रा जाएगी अपने, तो रही होगी में। तो अपन कैसे लिखेंगे आगे ये वाला? तो अपन सेंटेंस भी यूज करते समय मैं यहां लिख के बता रहा हूं वापस, पलक सो रही होगी। अब मात्रा मैंने इसमें जोड़ दी, यदि अपन मात्रा को इसमें नहीं जोड़ते तो सो रही होगी, तो ये अपनी पेंसिल उठेगी, तो अपना टाइम खराब होगा। तो टाइम बचाने के लिए अपन शॉर्ट हैंड सीखते हैं स्पीड में लिखने के लिए, तो अपन यहां पे पेंसिल नहीं उठाएंगे। इसी टाइप से राम घर गया होगा, अब गया होगा, ये गया और ये होगा, तो राम घर गया, बाहर की तरफ घूमी, तो गया होगा। इसी टाइप से पलक पास हो सकती थी, तो यहां पे शक्ति, सत्ता, शक्ति, सकते थी, तो ये वाला उठाएंगे अपन। तो इसमें लिखा मैंने पलक पा प और स, तो ये पास हो सकती और थी। इसी टाइप से अजय और सुनील रोज खेलते हैं, अब खेलते हैं यहां पे ता है, तो यहां पे अगर मात्रा चेंज कर दी सिर्फ मैंने, ता है कि बताया मैंने यहां पे, सभी में मैंने एक ही मात्रा से बताया और तीनों बाकी जो मात्रा है जो अपने अनुसार लगाते रहेंगे, तो कैसे लगाएंगे? अजय और सुनील रोज खेलते हैं। इधर सेंटेंस लिख के बता देता हूं मैं, अजय और सुनील रोज खेलते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, इस ट्रिक के माध्यम से आपको इजी वे में याद हो जाएगा कि उल्टे वे में अंदर की तरफ गुंडी तो था हो गया, बाहर की तरफ गुंडी तो गा हो गया, इसमें सीधे वे में सत्ता शक्ति, इसमें सत्ता था सकते थे सकती थी, और यहां पे सत्ता होगा सकेगा सकेगी। इसी टाइप से गया है गई है गए है, इसी टाइप से ता है ती है, इसी टाइप से ये कंप्लीट अपन देख लेंगे जिससे आप लोगों को याद होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको कुछ वर्ड्स और है जो बेसिक स्टेनो में आते हैं, उसके बाद में आपको एक ही ट्रिक से बहुत सारे आउटलाइंस बनाना सिखाऊंगा, जिससे बहुत सारे आउटलाइन आप बना सकते हो, और आपको याद करने का तरीके भी बताऊंगा जिससे आपको याद भी हो सके। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सब बच्चों को बेनिफिट हो सके। दोस्तों जेड प्रणाली सबसे आसान प्रणाली है।